हमीरपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में पार्षद छोटू दान और वार्ड वासियों ने अतिक्रमण को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इनका कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर, अधिशासी अधिकारी ललित सिंह देथा सहित उपखंड प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने बताया, पूर्व चेयरमैन सुभाष अग्रवाल के कार्यकाल में इस जमीन पर आंगनवाड़ी बनाने का प्रस्ताव पारित कर उसका टेंडर भी निकाला था, लेकिन आज भी आंगनवाड़ी केंद्र आबकारी थाने में चल रही है। पार्षद वार्ड वासियों ने नगर पालिका प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। नगर पालिका प्रशासन सुभाष जी अग्रवाल के टाइम में इन्होंने कहा था कि यहाँ पे आंगनवाड़ी बना देंगे, तब मैं भी यही मौजूद था, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे अवैध कब्जा किया हुआ है। नगर पालिका की तारबंदी की हुई है, उसके बाद भी अवैध कब्जा किया हुआ है। मैंने कई बार लिखित में भी दिया है, लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तो इनकी मिली भगत है, खासा भूमि में देने का इनका 126 नंबर क्वार्टर है जो EWS का है। ये यहाँ तो खासा भूमि में देने का इनका प्रावधान है इनकी मिली भगत से ही है, क्योंकि 8-10 लाख की ज़मीन है ये। ये लोग सस्ते में अपना जेब भरने के लिए यहाँ तो कर रहे हैं, इसलिए नगर वर्तमान में आंगनवाड़ी अपने यहाँ ये पहले स्कूल थी, अभी ये जो बना हुआ है आबकारी थाना, इसमें दी हुई है, इसमें चल रही है, लेकिन बच्चों की वहाँ क्या स्थिति है इनको पता नहीं है। इस 126 नंबर क्वार्टर के पास की जमीन 13x49 की जगह 18x49 है। नगर पालिका का क्वार्टर 13x49 का है और यहाँ पर पूर्व चेयरमैन सुभाष जी अग्रवाल ने अतिक्रमण हटाकर नगर पालिका का बोर्ड लगाकर 4 दीवारी बाउंड्री तारबंदी करवाई थी, और अभी हमें मालूम हुआ है कि ये फाइल वहाँ लगा रखी है और ये खाचा भूमि में पट्टा बनाने की डिमांड चल रही है।